दोस्तों त्यौहार एक सीरीज़ में आ गए हैं, चाहे वो नरक चतुर्दशी से लेकर दिवाली भैया दूज तक हो या फिर उस बीच पड़ने वाली छोटी मोटी ऐसी कोई तिथियां जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में जानकारी लेंगे, बात करेंगे किन त्यौहारों पर क्या करें क्या ना करें, आम जीवन में हम किन बातों का अनुसरण करके अपने जीवन को और अच्छा और उन्नत बना सकते हैं और माँ लक्ष्मी का स्वागत कर सकते हैं अपने घर में। नमस्कार, मैं हूँ आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज़ 18 के इस विशेष पॉडकास्ट में स्वागत करेंगे आचार्य राकेश शुक्ला जी का। आचार्य जी बहुत स्वागत है और हमारे जो सभी दर्शक पॉडकास्ट देख रहे हैं बहुत सारे सवाल उनके मन में, तो मुझे लगा सब तो पूछ नहीं पाएंगे इसलिए मैं उनके कुछ सवाल लेकर आया हूँ। लेकिन उन सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बहुत ही जो कन्फ्यूजन लोगों को है वो ये कि दिवाली 31 तारीख को मनाई जाएगी या 1 तारीख को। सबसे पहले तो न्यूज 18 को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना बधाई, इनके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लेकर आए हैं, लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। और दीपावली जो पर्व है वो 1 तारीख को ही मनाना चाहिए, 1 नवंबर को ही मनाना चाहिए। उसमें शास्त्र के सम्मत बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं 31 तारीख को, लेकिन त्रिपाठी जी 31 तारीख को क्या है, 31 तारीख को न तो सूर्योदय है, सूर्योदय उसमें नहीं हो रहा है, चतुर्दशी तिथि में हो रहा है। और शास्त्र प्रमाण में कहा गया है कि यदि जो तिथि सूर्योदय में निकलती है यदि शाम तक, और ख़ास करके एक पर्व केवल कहा गया है जो होता है, औरतें जो रखती हैं व्रत रखती हैं जो बट सावित्री का जी, उस बट सावित्री को छोड़ करके सारे, और दीपावली में खास करके आप देखिए यदि आप 31 तारीख की लोग कह रहे हैं तो 31 तारीख को कैसे मनाया जा सकता। आप देखिए शाम को 3:54 पर अमावस्या लग रही है, उससे पहले त्रिपाठी जी क्या होता है सुबह लोग अपने घर में गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके बाद में दोपहर में पितरों का दान होता है, पितरों के दान के बाद सायंकाल में लक्ष्मी जी का आवाहन होता है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तब जा करके दिवाली संपन्न होती है। यदि आप 31 तारीख को मनाते हैं तो आप कैसे ना तो दान कर पाएंगे ना स्नान कर पाएंगे। बहुत सारे लोग, लाखों लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं अमावस्या पर, बहुत सारे लोग अपने जो लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की पूजा नहीं कर पाए, शास्त्र में विधान है दीपावली अमावस्या के दिन वे अपने पितरों की पूजा कर लेते हैं तो उनके घर में परिवार में शास्त्र कहता है दैवो पितृ प्रसन्नम तो दैवो प्रसन्नम, यदि पितृ प्रसन्न है तो देव ईश्वर प्रसन्न है, और यदि पितृ ही नहीं प्रसन्न है तो आप कितनी भी पूजा कर ले आपके घर में देवताओं का प्रवेश होगा ही नहीं। तो इसलिए शास्त्र सम्मत तो यह है कि दीपावली 31 को नहीं 1 तारीख को ही मनाना चाहिए। अब उसके कहेंगे क्यों मनाना चाहिए, वो मैं रीजन दे रहा हूँ, इसलिए मनाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पहले भी कई बातें ऐसी हुई जिसमें कन्फ्यूजन हुआ, उसको लेकर के कहा गया शास्त्रों के निर्णय कैसे हो, भाई कोई हम कह दें 31 को मनाओ ये तो नहीं है, ना मेरी बात मानिए ना किसी ज्योतिषी की बात मानिए, किसी की बात मत मानिए, आचार्य राकेश शुक्ला की भी मत मानिए, लेकिन जो वेद कहता है जो शास्त्र कहता है जो पुराण कहता है जो उपनिषद कहता है उसकी बात तो मानेंगे जी। अब जो लोग त्रिपाठी जी 31 की बात कर रहे वो प्रमाण नहीं दे रहे हैं कि क्यों 31 को मनाया जाए, मैं तो प्रमाण सहित कह रहा हूँ, ब्रह्मवर्तक पुराण में लिखा है, धर्म सिंधु में लिखा है, निर्णय सिंधु में लिखा है, हमारे देश में लगभग 80 से 90 पंचांग छपते हैं, उन पंचांगों में सब में 1 तारीख का निर्णय है, यदि इतने बड़े पंचांग करता है तो उन्होंने सोच समझ कर लिखा होगा। और दूसरा पर्व आप देखिए कि 1 तारीख को ही उदया तिथि में है जी। तभी आप दान स्नान यज्ञ सारा कर सकते हैं, 31 तारीख तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। और इस शास्त्र में कहा गया कि एक घड़ी का मतलब होता है 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है जी। और 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट जी। यदि प्रदोष कालीनी रात्रि काल 1 घड़ी भी मिल जाती है सूर्यास्त के बाद तो उस दिन सूर्यास्त जो हो रहा है शाम को 6:17 पर हो रहा है, तो 1 घड़ी से ज्यादा 1 घंटे से भी ज्यादा मिल रही है। और शास्त्रों में तब निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु ने कहा कि भैया आप यदि दोनों दिन अमावस्या है तो ग्राह कौन से ग्राह का मतलब है किस दिन आपको पर्व मनाना चाहिए त्यौहार मनाना चाहिए। और क्योंकि ये त्यौहार इतना पवित्र पावन त्यौहार है और ये त्यौहार शुरू कब हुआ, आज से 9.5 लाख वर्ष पहले कहाँ शुरू हुआ कि अयोध्या रिपुरन जीत सकल गुण गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत, है ना, अयोध्या से विजय करके लंका पर विजय करके अयोध्यापति जब अयोध्या में आते हैं उस समय से दीपावली पर्व शुरू हुआ जी। और आप बता रहे थे, मैं माफी के साथ बीच में रोक रहा हूँ, अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राकेश जी इतने
प्रमाणित तरीके से कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये वो पांचांग है जो नवग्रह जो अपनी चाल बदल रहे हैं, कहाँ कब किस घड़ी में वो घूम रहे हैं, किस घर में वो जा रहे हैं, ये सब कुछ पूरे यूनिवर्स में यही पांचांग सेम तिथि हर पर्व जो है वो हर तिथि जो है वो आपको सेम मिलेगी, इसमें आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जब हम ये अपने अंग्रेजी महीनों में जब हम जाते हैं शुक्ल जी, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन लोगों को होती है। पांचांग वो हमेशा ऐसा एक्सपर्ट्स आप जैसे विद्वानों से बात करने के बाद ये समझ में आया कि धरती पर भी वही तिथि रहेगी, आप चंद्रमा पे चले जाइए तब भी वही तिथि रहेगी, वो नहीं बदलता। इसकी क्या महिमा है और ये कौन सा पांचांग है जो लोगों को नहीं पता, जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए? मैं बताना ये चाहता हूँ कि जितने भी तिथियाँ होती हैं वो तिथि के अनुसार चलती हैं, सूर्योदय और सूर्य अस्त के अनुसार चलती हैं। अंग्रेजी की तारीख नहीं ली जाती कि भाई 14 तारीख को ये हुआ था तो फिर अगले 14 को ही होगा, रात 12 बजे से बदल गई, बदल जाए, ये शास्त्र नहीं मानता है इसको। सूर्योदय में तिथि मानते हैं, सूर्योदय में मानता है। तो अब आप देखिए बहुत सारे कितने सारे पर्व हैं, अब जैसे दीपावली है, ये तो सारे विद्वान मान रहे हैं, वो भी विद्वान जो 31 को करें। अब गोवर्धन पूजा किस दिन की जाती है? दीपावली के अगले दिन करें। 2 तारीख को गोवर्धन पूजा तो की जा सकती है, 3 तारीख को भैया दूज तो किया जा सकता है, लेकिन नहीं, दीपावली तो 31 कैसे दी? कोई भाई प्रमाण तो दो। मैं कितने सारे प्रमाण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, नारद पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, भाई कोई भी आप कहने से नहीं चलेगा। जैसे मैंने पहले कहा कोई प्रमाण लाइए, शास्त्र प्रमाण की बात करता है ये। भाई आप बैठे हैं यहाँ तो हम हैं तो बैठे हैं, आप त्रिपाठी जी तो प्रमाण दीजिए ना। प्रमाण किसी के पास नहीं 31 के। और काशी विद्युत परिषद ने भी बैठक करी, उसमें भी ये निर्णय हुआ कि अयोध्या की दीपावली महेंद्र सत्येंद्र दास से उन्होंने कहा कि कुछ राजस्थान के ज्योतिषियों ने कहा कि नहीं 31 तारीख को होगी। अब अयोध्या देखिए सबसे बड़ा पर्व, क्योंकि ये दिवाली का पर्व है, उजाला का पर्व है, अंधकार से निकल के तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से निकल कर प्रकाश की ओर जाने का पर्व है, और ये पर्व अयोध्या से शुरू हुआ है। अयोध्या में दीपावली 1 तारीख को ही मनाई जा रही है। जब राम भगवान आए तो लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, जाकर के गंगा स्नान किया और जाकर के अपने पितरों को यज्ञ किया, उनके लिए दान किया, और बहुत सारी जो मनौतियाँ थी लोगों की कि प्रभु हमारे आ जाएं, वो किया। और शाम को फिर अट्टालिकाओं पर बड़े बड़े सुंदर दीपक सजाए गए, है ना। वैसे तो दीपावली ये 5 दिन की मनाई जाती है, 5 दिन दीपावली है, लेकिन शास्त्र प्रमाण ये कहते हैं कि 1 तारीख को ही दीपावली लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, जिससे आपको धन, भाई कुबेर की पूजा करेंगे, लक्ष्मी की पूजा करेंगे। गणेश माने बुद्धि होता है, गणेश माने आकार नहीं है, गणेश माने बुद्धि। भाई जब बुद्धि रहेगी उसी से सारा कार्य होगा। तो बुद्धि के देवता की पूजा करनी है तो शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में करेंगे। अब आप देखिए कुछ लोग मानते हैं कि नहीं भाई हम पारंपरिक, अब भाई पारंपरिक ज्योतिष क्या है ये तो प्रमाण दो जी, पारंपरिक ज्योतिष क्या है? नहीं सिद्धांत, अरे भाई सिद्धांत ज्योतिष, पारंपरिक ज्योतिष तो कह दिया, कोई प्रमाण तो देंगे? भाई त्रिक ज्योतिष है, त्रिक ज्योतिष पर देश के जितने पंचांग बने हैं वो आपको ग्रहण निकालना है तो त्रिक ज्योतिष चाहिए, ग्रह नक्षत्र की है तो त्रिक ज्योतिष चाहिए, सब में प्रमाण दिया गया। इसीलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ने ये निर्णय किया, उसमें एक मत नहीं है त्रिपाठी जी, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों का मत है कि यदि 2 दिन आ रही है अमावस्या तो कौन से दिन मनाई जाए। आप ठीक है काली की पूजा उपासना करना चाहते हैं 31 को कर लीजिए, लेकिन आप देव पूजन करना चाहते हैं, धन के लिए पूजन करना चाहते हैं, अपने परिवार की सुख, या ऐसा पावन पर्व दीपावली का पर्व है कि हंसी खुशी और परिवार से मिलजुल करके मनाना चाहिए। आपने परिवार का जिक्र किया और